एक बार चर्चा चल रही थी कि हम यह काम इस तरीके से करते आए हैं, इसलिए इसे इसी तरीके से किया जाना चाहिए। इसी सोच ने हमारे लिए सबसे अधिक खतरे पैदा किए हैं, क्योंकि इससे हम जीवन में उत्कृष्टता यानी परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। उत्कृष्टता कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, जिसे हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी सोच बने बनाए ढांचे में न ढली हो। उत्कृष्टता हासिल करने के रास्ते में काम खराब होने से घबराना नहीं चाहिए। जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हैं, तो विश्वास मानिए कि आप पहले उसे खराब तरीके से ही करेंगे। संभव है कि वह काम करते हुए आप बेहुदा और अजीब से महसूस करें। दूसरों की नजरों में ही नहीं, अपनी नजरों में भी खुद को मूर्ख या शर्मिंदा महसूस करें। लेकिन यह उत्कृष्टता परफेक्शन हासिल करने के लिए चुकाई जाने वाली एक कीमत है। योग्यता हासिल करने की शर्त भी यही है कि आप बहुत बुरे से बुरे, बुरे से अच्छे और फिर अच्छे से बहुत अच्छे करने की दिशा में आगे बढ़ें। योग्यता सब में, पर परिश्रमी, उत्साही और जिज्ञासु लोग ही अपने को अविकसित से विकसित अवस्था तक ले जा पाते हैं। इसको जापान से सीखा जा सकता है। उनके पास ना तो कोयला है और ना ही लोहा है, और ना ही लोहे को इस्पात बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें। फिर भी वह सिर्फ इस्पात के उत्पादन में ही नहीं, बल्कि उसके निर्यात में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। कमी का रोना रोकर नहीं, उसने अपने संसाधनों के सदुपयोग से ही औद्योगिक क्रांति कर दी। हम खुद को देखें तो अक्सर रोते हुए मिल जाएंगे। अगर हम गरीब या पिछड़े हैं, तो मतलब यह नहीं कि इसके लिए कोई बाहरी शक्ति दोषी है, बल्कि समस्या हमारे भीतर है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में या तो कोई ना कोई संसाधन गवाया जा रहा है, या फिर उसका गलत प्रबंध किया जा रहा है।